आप रोज रोज जंगल में अकेले जाते हैं उस गोदाम पे पहरा देने। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मालिक आपके साथ एक और आदमी को क्यों नहीं भेजता। मुझे डर लगता है। जमींदार साहब जानते हैं कि मेरे साथ कोई भी आदमी भेजने की जरूरत नहीं है। साथ में मेरे साथ कुल्हाड़ी भी तो रहती है। तुम बिल्कुल डरो मत, हाँ समझी। तुम बकवास बंद करो। वो जो कुल्हाड़ी तुम लेकर जाते हो ना, उसे बिल्कुल धार नहीं है, तो फिर कैसे तुम अपनी रक्षा करोगे? हाँ अरे सुनो, गोदाम में ना जमींदार साहब की बहुत कीमती चीजें रखी हैं, तो वहाँ पर पहरा देने के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। उन्हें मुझ पर यकीन है। चलो अब लालटेन दे दो, मुझे देर हो रही है जाने के लिए। अरे रामदेव, आज लग रहा है कि तू जल्दी जल्दी ड्यूटी पर जा रहा है। हाँ भाई, मौसम का हाल ठीक नहीं दिख रहा है। लंबा रास्ता काटना है, इसलिए जल्दी निकल पड़ा हूँ। लेकिन हाँ, तू ड्यूटी तो चेंज करवा सकता है ना, तो रात को सो सकता था तू, समझा? सो सकता था आराम से। रात के समय पहरा देने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत सब में नहीं होती, इसीलिए तो मालिक मुझे चुनते हैं। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। लगता है कोई मुसीबत में है, चल कर देखना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, बचाओ। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। रामदेव, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब ऊपर वाले की लीला है गुरुजी, उसने ही मुझे आपके पास भेजा। किसी की विपत्ति में सहायता करना, पहरा देना, ये सब मेरे काम है। सुनो, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले मैं अवश्य तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मालिक के गोदाम में पहरा देने का काम मैं ठीक से करूं। मेरे मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं, बस मुझे उनका मन रखना है। गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, ये एक कुल्हाड़ी लेकर पूरी रात पहरा देते हैं, और वो भी अकेले अकेले। अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या ये कुल्हाड़ी इन्हें बचा पाएगी क्या? चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से मैं आज उस कुल्हाड़ी में एक विशेष शक्ति डाल देता हूँ, ठीक है, जो कोई भी मुसीबत से इसकी रक्षा करेगा। तुम चिंता मत करो। कोई है? इधर मत आना, रामदेव पहरा दे रहा है। ए कोई है? इधर मत आना, रामदेव जाग रहा है। पिताजी, आप गोदाम के पास इतनी रात को अकेले पहरा देते हो, तो आपको डर नहीं लगता क्या? अरे बेटा, पहले पहले मुझे थोड़ा डर लगता था, पर जब से साधु बाबा ने मेरी कुल्हाड़ी पर मंत्र फूंक कर जादुई कुल्हाड़ी बना दी है, तब से मुझे कोई भय नहीं रहा। जादुई कुल्हाड़ी? हाँ बेटा, ये कुल्हाड़ी जब तुम्हारे साथ रहेगी ना, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। सुन, सुना है कि जमींदार के गोदाम में दाल चावल के सिवा सोना भी है। अगर हम सबने जाकर एक बार भी वहाँ डाका डाल दिया तो पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाएंगे। क्या बोल
बोल रहे हो? इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, है ना? पर वहाँ पर तो पहरा है, रामदेव वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर पहरा देता है। ए पागल, वहाँ रामदेव अकेला क्या करेगा? हमारे पास उससे ज्यादा अस्त्र शस्त्र है, हम इतने सारे लोगों के सामने वो अकेला क्या कर लेगा आखिर? ठीक है, तो फिर हम अगली अमावस की रात को वहाँ जाके डाका डाल लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओए है, इधर मत आना, रामदेव जाग रहा है। क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कहीं डाकू तो नहीं आए? खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा, यहाँ पर रामदेव पहरा दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। ये देखो मेरी कुल्हाड़ी, एक प्रहार में ही सबका काम तमाम कर दूंगा। तू अकेला क्या करेगा हमारा, बता भाई। तो हमारा रास्ता छोड़ दे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस डाका डाल के यहाँ से निकल लेंगे। रामदेव ऐसा कुछ नहीं होने देगा, उसने मालिक को वचन दिया है कि गोदाम पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जा, निकल जा यहाँ से। क्या हो रहा है? अरे भाई, ये क्या देख रहे हैं? चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। आओ आओ, आगे है हिम्मत है तो आओ, आओ ना। नहीं, भागो भागो। ये ऊपर वाले की कुल्हाड़ी है, इसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता। ए मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बीवी ठीक ही कहती है, बूढ़ा हो जाने पर तुम्हारी ताकत कम ही हो जाती है। ये आवाज शायद कोई जानवर होगा, लगता है वो जंगल से ही आ रहा है। इन आंखों को मैं पहचानता हूँ, ये तो शेर की आंख है, पर जंगल के इस हिस्से में शेर तो आता नहीं है, लगता है शायद वो रास्ता भटक गया हो। भाग भाग, जंगल के रास्ते भाग जा, जा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे हाथ से ये कुल्हाड़ी निकल गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं ये नहीं चाहता। जाओ जाओ जाओ। भाग गया, इस जादू की कुल्हाड़ी की वजह से आज मेरी जान बच गई। ये ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या हुआ पिताजी? उस समय बहुत छोटा था, गुरुजी ने ये कुल्हाड़ी देते समय मुझसे कहा था कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे काम आए, 50 के ऊपर और 25 के नीचे वाले उम्र के इंसान पर यह जादुई शक्ति काम नहीं करती। ठीक है, फिर आप भी वही करो। आज मेरे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज के बाद गुरुजी की दी हुई ये जादुई कुल्हाड़ी मैं तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से पहरा दूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। क्यों हरिया, अब पिताजी का काम तू ही संभालेगा, क्यों? ठीक है ना? हाँ चाचा, आज से गोदाम को पहरा मैं दूंगा। तुम्हारे पिताजी तो बहुत हिम्मत वाले थे, तुम वही काम कर पाओगे? मेरे पास एक जादुई कुल्हाड़ी है, वो मुझे हर मुसीबत से बचाएगी,